जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का सातवां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी बहन सुने मैत्रीय के विधुर सकल हरि ध्यान, जिन संशय करी धुरी पुने पूछन लगे पुराण। सुनिए इतनी कथा कहने पर मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे नृपति मैत्रीय के ऐसे वचन सुनकर पुनः विधुर जी इस प्रकार प्रश्न करने लगे, हे दिजेंद्र ईश्वर तो सच्चिदानंद निर्विकार एवं चैतन्य स्वरूप है, फिर वे माया के पास में बंद कर अपने स्वरूप को धारण कर इस संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करता होते हुए गुणों की एवं क्रिया का संबंध किस प्रकार करते हैं और इस तरह करने से उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। वे तो सर्वव्यापक हैं, सभी प्राणियों के अंतकरण में स्थिर रहते हैं, फिर शिव सुख दुख आदि कलेशों को क्यों पाता रहता है। परमात्मा लीलाधारी स्वयं अविद्या यानी माया के चक्र में कैसे फंसे, क्योंकि यह तो उन्हीं की बनाई हुई दैवीय माया है। विदुर जी के इस तरह के प्रश्न को सुनकर महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर परमात्मा की देवी माया बड़ी प्रबल है, इस जीवात्मा को शरीर से संबंध सुख दुख आदि उठाने पड़ते हैं, किंतु परमात्मा सुख दुखों से रहित है। यदि मनुष्य को अपना कष्ट दूर करना हो तो केवल उनका ही निरंतर चितवन करता रहे और उनके गुण कीर्तनों को करते हुए उनकी ही पवित्र लीला एवं कथाओं का श्रवण तथा पाठन करता रहे। जो मनुष्य सब सुख कार्य करता हुआ निस्वार्थ भाव से अपने किए हुए कर्म फलों को उन्हीं के लिए अर्पण कर देता है तो फिर उनके पास संसारिक कलेश आवेंगे ही क्यों। परमेश्वर की भक्ति द्वारा मनुष्य यहाँ सुख भोग कर अंत में हरि धाम को जाता है और संसार के आवागमन से हट जाता है। परमात्मा युग युग में अवतार धारण कर भक्तों की रक्षा करते रहते हैं और सनातन धर्म की स्थापना कर साधुओं को आनंद देते हैं। वे माया में लीन होते हुए भी माया से परे रहते हैं। महर्षि मैत्रेय जी के इस प्रकार ज्ञान युक्त वचनों को सुनकर विदुर जी का भ्रम दूर हुआ और फिर भी विस्तार सहित सृष्टि की उत्पत्ति जानने की इच्छा से महर्षि मैत्रेय से पुनः प्रश्न करने लगे और वे विदुर जी को प्रश्नोत्तर देने लगे। सातवां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। आठवां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।